हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा के छठे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट वन को सिनेमा घर में लगे हुए एक हफ्ता पूरा हो चुका है। तेलुगु भाषा में बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म में उनके साथ सैफ अली खान और जानवी कपूर मुख्य भूमिका में है। कोलाताला शिवा के निर्देशक में बनी इस फिल्म की शुरुआत काफी अच्छी हुई थी। पहले ही दिन इस फिल्म में डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 82 करोड़ रुपए के आसपास का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था। इसके साथ छठे दिन तक भी इस फिल्म की कमाई अच्छी चल रही थी, लेकिन अब गुरुवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कलेक्शन अचानक धड़ाम हुआ है। सभी भाषा में फिल्म ने रिलीज के सातवें दिन टोटल कितनी कमाई की है जानते हैं। देवरा पार्ट वन इंडिया में 200 करोड़ के नेट कमाई एक हफ्ता पूरा होने से पहले ही कर ली थी। हालांकि गुरुवार के कलेक्शन को देखकर हर कोई हैरान होने वाला है, क्योंकि 2 अक्टूबर के मुकाबले में जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर स्टार इस फिल्म में सातवें दिन बॉक्स ऑफिस पर आधा भी बिजनेस नहीं किया है। सनिनिक की रिपोर्ट के मुताबिक तेलुगु भाषा में बुधवार को इस फिल्म ने 13 करोड़ 55 लाख के आसपास की कमाई की है। वही गुरुवार को इस फिल्म ने सिर्फ 4 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई की है। इसके अलावा इस फिल्म ने हिंदी में सातवें दिन फिल्म का कलेक्शन 2 करोड़ रुपए हुआ है और कन्नड़ में इस फिल्म ने 8 लाख रुपए कमाए हैं।